अगर तुम सानिया की इज्जत उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें आज की रात मुझे अकेले मिलना होगा। इस तरफ पल पल डर के नहीं जी सकते हम। सानिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें संस्कार से बात करनी ही होगी। पापा जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। कभी सोचा अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो क्या होगा? जब सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। आइए आइए, कब से आप ही के सजदे में नजरें झुकाए बैठे हैं, आप ही के लिए जख्मों को सहला रहे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है संस्कार? तुम समझते भी हो तुम क्या कर रहे हो? जानता हूं क्या कर रहा हूं। अपने बचपन के प्यार को पाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब किसी को दिल से चाहो तो उसको खोने का दर्द भी नहीं होता है। तुम नहीं समझो। समझते हैं हम। जब हमें तुम्हारे बारे में सच पता चला तब हमने भी अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। वो दोस्त जो हमें सबसे ज्यादा समझता था, जो हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वही दोस्त हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। संस्कार, बचपन में तो तुम हमारी हर बात मान लेते थे, फिर आज क्यों नहीं? बचपन में तुम्हारी हर बात मानने की वजह भी वही प्यार था अपन, जो आज तुम्हारी बात ना मानने की वजह है। लेकिन तुमने कभी मेरा प्यार नहीं देखा बना तब और ना अब। आभा, जब इंसान की दुनिया किसी की हंसी किसी की खुशी में सिमट के रह जाती है, और जब वही इंसान शादी के मंडप पे तुम पे लात मारता है, तुम्हारी गलती की सजा तुम सानिया को क्यों दे रहे हो? सानिया से तो मेरा कुछ लेने देने नहीं है। वो क्या है कि सानिया मेरे लिए इस खेल में इस बाजी में एक मोहरा है। अब जब दुश्मन की रानी को हथियाना है अपनाना है तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, और वो कुर्बानी देगी सानिया। कीमत चुकाएगी तुम्हारी दोस्ती की। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी नहीं हो सकता। हमारी शादी हो चुकी है। सानिया तुम्हें तन मन से पति मान चुकी है। पत्नी तो मैं भी तुम्हें मान चुका हूँ। बकवास बंद करो। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, वरना हम सबके सामने तुम्हारे इस घिनौने चेहरे से नकाब हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं करोगी आप? करेंगे, हम कर सकते हैं, क्योंकि तुम ना हमें जानते हो ना ही करण को। करण हमारी रग रग पहचानते हैं। अगर हम कुछ ना भी कहें तो भी वो सब कुछ समझ जाते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान खो बैठो। डर गया मैं तो तुमसे, तुम्हारे पति से। तुम ठीक कह रही हो आप, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें सारे सबूत दे दूँगा, और तुम वो सबूत जाके सानिया को दे दो, और फिर
सानिया की जो मर्जी वो करेगी उसकी जिंदगी। दरवाजा खोलो संस्कार। क्या कर रहे हो तुम संस्कार? अब इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं चाहता तुम पे क्यों उंगली उठाया भाई। करण ऐसा कुछ नहीं है। करण तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ है नहीं। मेरे और आपा के बीच में कुछ नहीं है। करण मेरा यकीन करो। करण को सच्चाई का पता चलेगा और वहां सानिया का दिल टूट जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी वजह से। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। करण तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा और तुम करण के बिना रह नहीं पाओगे। देखते हैं जीत किसकी होगी। आप सच्चाई की हार ना सतयुग में हुई थी ना कलयुग में होगी। जीत हमारी होगी समझे? करण अभा अभा तुम्हारा शिकारी भी मैं ही हूं और शिकार भी। करण करण हमारी बात तो सुनिए। करण करण आप जो समझ रहे वैसा नहीं है। करण प्लीज इधर नहीं आना चाहिए था इस वक्त। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ मैं नहीं चाहता तुम पे क्यों उंगली उठाया भाई। ये क्या कर रहे हो तुम? करण हमारा यकीन मानिए। आपने जो देखा वो सिर्फ नजर का धोखा है। हम आपको सब सच बताने वाले थे। हमें बस मौका नहीं। क्या मौका है तुम्हारा? ये मौका है बताओ तुम बीच रात संस्कार से मिलने क्यों गई थी? बोलो मैं वेट करता हूँ। यहाँ करण को सच्चाई का पता चलेगा और वहां सानिया का दिल टूट जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी वजह से। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। करण तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा और तुम करण के बिना रह नहीं पाओगे। देखते हैं जीत किसकी होगी। आप चलो एक बात मान लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं। हमारा कोई रिश्ता है ठीक है। कि तुम देर रात को मुझसे छुपा के संस्कार से कोई बात करने गई जो बताने का तुम्हें मुझे मौका नहीं मिला और इस बात का मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके ये भूल जाते हैं। तुमने एक बार भी सानिया का सोचा आभा उसकी शादी होने वाली है संस्कार के साथ। मरने के पहले अंकल उसकी जिम्मेदारी हम पर सौंप के गए। शायद वो मेरी तरह नहीं सोचती आभा। तुमने ही सोचा? बोलो करण आपने जो देखा वो सच नहीं है, है ना? चलो ठीक है सच और झूठ का फैसला करते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम आधी रात को संस्कार के कमरे में क्यों गई थी? बोलो। समझने की कोशिश कीजिए करण। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो सच कहने से भी डरने लगता है। करण इस समय हमें आपके प्यार के साथ आपके विश्वास की जरूरत है। हम पे विश्वास करते हैं ना करण? कहिए ना करण हम पे विश्वास करते हैं ना? विश्वास जब किस्मत सोने की तैयारी कर रही हो ना आभा तो इंसान को जागते नहीं रहना चाहिए सो जाना चाहिए। से बंधन को
यहाँ करण को सच्चाई का पता चलेगा और सानिया का दिल टूट जाएगा। तुम बीच रात संस्कार से मिले क्यों? मेरी वजह से। अब तुम्हारे इम्तिहान की जरूरत है। करण तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा और तुम करण के बिना रह नहीं पाओगे। देखते हैं चीख किसकी होगी। तुम बीच रात संस्कार से मिले क्यों? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं चाहता तुम पे क्यों उंगली उठाया भाई। से एक बात करनी थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अतीत के अंधेरों से बाहर आना इतना आसान नहीं होता। एक नए साथी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। सबका अतीत होता है, मेरा भी अतीत था, मगर जब से मैंने तुम्हें अपनाया है, तुम्हें अपना जीवन साथी माना है, तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ संस्कार, किसी से प्यार करने के बाद किसी और को अपने दिल में वही जगह देना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में आभा के लिए जो कुछ भी था तुम वो सब कुछ भुला चुके हो। करण, शायद करण ने कैसे गुजरी रात? नींद कुछ पूरी हुई? और हाँ, मेरा गिफ्ट कैसा लगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत संस्कार, अब हम नहीं सहेंगे, अब हम सबको सब कुछ बता देंगे। करण तो चले गया, वो आज सुबह कहीं चले गया बिना किसी को कुछ बताए। वो क्या है कि कल रात को जो मंजर करण ने देखा था उसके बाद तो कोई बेवकूफ भी घर छोड़ के चला जाता, पर करण तो सब समझता, बहुत इंटेलिजेंट है। तो अब पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेके आया था तुम्हारे लिए। वो सब चीजें छोड़ो, तुम चाय पियो। देखो तुम, अब ये क्या कर रही हो? तुम अपने ही खिलाफ सबूत बनाती जा रही हो। हाँ, देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा कि लड़की शादी से कितनी परेशान आई हुई है, कितनी तंग आई हुई है, तोड़ फोड़ करती है, चीजें तोड़ती है। वकील की बीवी हो, इतना तो पता होना चाहिए कि कुछ सबूत बनते हैं और कुछ बनाए जाते हैं।
सॉरी। ये तुमने कल रात को दिया था, ये याद है या ये भी भूल गई? ये तो याद होगा। संस्कार, तुम यहां से चले जाओ वरना आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना गुस्सा क्यों? कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, इतना गुस्सा? संस्कार, चले जाओ यहां से वरना आज कुछ अलर्ट हो जाएगा। जाओ। मैं जाता हूं। Okay, I'm going. जाओ। सानिया, अरे दो दिनों में इन हाथों में मेहंदी लगने वाली है और आज ये हाथ सेब काट रहे हैं। अरे अपने गुलाम को भी कुछ काम करने दो। संस्कार, ये क्या कह रहे हो? वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि अपनी सानिया से कितना प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है उसका। हल्दी वाला दूध तो पीना पड़ेगा ना दादी, आप समझाती क्यों नहीं आप इसे? हल्दी का दूध पिए या ना पिए, लेकिन जिसका पति इतना प्यार करने वाला हो ना, उसे कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। तुम दोनों का हमेशा ऐसा प्यार बना रहे, खुश रहो। बहुत लकी हो सानिया, इतना चाहने वाला पति जो मिला है। समय ने हमारे साथ एक कैसी चाल चली है, ये सब क्या हो गया? अब कहाँ चले गए करण? हम कैसे समझाएं आपको हम बेकसूर हैं? फोन उठाइए करण। क्या करें? पापा, आप? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, कहिए पापा। किसी भी बाप को अपने बच्चों से थैंक यू करना बहुत मुश्किल होता है बेटे, उसी के लिए मैं हिम्मत जुटा रहा हूं बेटे। पापा, बेटा तुमने सानिया के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, एक दिन गुस्से में आकर मैंने सानिया को इस घर से निकल जाने के लिए कह दिया था। बहुत देर बाद मुझे एहसास हुआ उस गलती का, और अगर तुम नहीं होती तो मुझे पश्चाताप का मौका ही नहीं मिलता। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त और उसकी बेटी के साथ जो किया, शायद सानिया और संस्कार की शादी के बाद मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। मैं सानिया का बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन बाप का फर्ज तो निभा सकता हूं। समझूंगा कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं तुमसे एक और बात कहना भूल गया बेटे। मैंने तुम्हें पहले भी परेशान दिखाया आबा,
लेकिन इतना मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा पहले। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात सीखी है बेटे, जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करना। जीत तुम्हारी होगी। थैंक यू वंस अगेन।